तीन तलाक के मसले पर वो बेबाक आवाज होकर के वक्त के फिराओं के आंखों में आने करते हैं। अगर फर्क करने वालों का किसी का नाम है तो बैंक से तो उनकी लोग की खराब है। आज लोग तरह तरह की तोहमतें लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि मुझे इसमें क्या किया है। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इसे इत्तेहाद मुस्लिमीन के अंदर क्या करने की बयान करूं 1984 से, तो वक्त बहुत मर जाएगा, पूरा दिन खत्म हो जाएगा। फखरे मिल्लत, सालारे मिल्लत, वजीफे मिल्लत, हबीबे मिल्लत का कारकर्दगी पेश करते रह जाएंगे, लेकिन वह खत्म नहीं होगा। पेश करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। इतनी कारकर्दगी है हमारी, यह है हमारी कारकर्दगी। हम कोई भी काम करते हैं जिम्मेदारी के साथ करते हैं, यानीदारी के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, क्योंकि खौफ खुदा हमारे दिल में है, खौफ खुदा हमारे दिल में है, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में, और अल्लाह के खौफ जिसके दिल में है वो कभी भी बेईमानी नहीं करेगा, नहीं करेगा। जिस तरीके से आप नारा लगा रहे हैं, जिस तरीके से अख्तर ईमान साहब की मोहब्बत आपके दिलों में होने वस्त है, जिस तरीके से मजलिस का जो मोहब्बत आपके दिल में बैठी हुई है, आपके जहन में बैठी हुई है, मैं आपको बार बार सलाम करता हूँ। अगर कोई हमारा आन है, मान है, शान है, तो आप है, आप जिनका हमारी आन में शान है। आपको कभी रुस्वा होने हम नहीं देंगे, चाहे ईमान अकरम अली हो, चाहे ईमान पार्लियामेंट हो, चाहे किसी के सामने हो, हम आपको रुस्वा होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बहुत खूब साथियों, मेरे पर्दा नशीन खातिर हजरात, घरों में बैठ करके सुनने वाली औरतें, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई मशकूक निगाहों से रोडों पर चल रही मेरी माँ बहनों की आंखों में आंखें डाले और मशकूक निगाहें शक की निगाहें सामने देखे, तो उनकी आंख को नोचने वालों का नाम बना के बाहर हम इसी आंखों को नोच रहे हैं। हम कभी घर हाथ से मुंह नहीं मोड़ेंगे, हमें जेल के हमें खड़ा कर गोली मार दो, गोली पर चला दो, लेकिन इस हाल हाथ से मुंह मोड़ने वालों का नाम मजलिस नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम कभी सारे हाथ से मुंह न मोड़े थे, न मोड़े हैं, न मोड़ेंगे, क्योंकि हम उस पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां के मन के हम गुलाम है, उम्मत है। हमारे आज के जो उम्मीदवार बना करके बैठे गए हैं विधायक बने, क्या काम किया आपको पता है? गरीबों से आप गरीबों से, हम गरीब हम मिस्कीन, हमसे हाथ मिलाते हैं तो हम जाकर के सब उनके हाथ धोते हैं। डिटेल से वो नहमत को पता नहीं है, वो लाल नारायक को पता नहीं है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन है कि मेरे मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में जाने वाला हर मिस्कीन है, जाने वाला है मेरी उम्मत से। आज उस उम्मत से हाथ मिला जिसको भी आता है, वो शर्म के मारे हाथ नहीं मिला रहा है, उसको अपनी सेहत के बारे में फिक्र है, लेकिन अवान की सेहत का फिक्र नहीं है। मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि डरने और घबराने वालों की चमार मजलिस नहीं है। आपके बीच मैं हमेशा कंपनी बोला हूं, आयरन लेडी और बिहार बोला हूं, डॉक्टर तारा श्वेता मैडम को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। महिला आपके बीच आई है जो भी दूसरे कौम, दूसरे कौम से काम करती है, वो इल्जाम लगाते हैं कि मैं जिस मुसलमान पास है मुसलमानों की जमात है। मेरे भाई, अगर मुसलमानों की जमात होगी तो एक आयरन लेडी, एक मशहूर डॉक्टर, तारा श्वेता
रखे उनके पास, क्या उत्तर है, क्या क्वालिफिकेशन है, अरे क्या है उनके पास, कभी वो विधायक रहे हैं, कभी वो जिला पार्षद रहे हैं, या कभी मुखिया रहे हैं, अरे क्या रहे हैं वो, किस बुनियाद पर आप उनको वोट देंगे, आप बताइए किस बुनियाद पर वोट देंगे उनको। साफ तौर पर पूछने के लिए जेडीयू को जो वोट देगा वो नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेगा, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जिसके कंधों पर, जिसके सर पर गुजरात के महाराजों का कदम लगा है। हम तहरीरी तौर पर लिख देंगे, हम अपनी किताबों में और आंखों में लिख देंगे, सुनहरे कलम से लिख देंगे, और उसको हम बोलेंगे साफ नजर तुम उसको बाकी रहना, जब तक मजबूत रहेगी बीजेपी का मुखालफत करते रहना। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अरे गांव में से डरता नहीं हूं, बहुत सवाल है हमारे मुंह में, और इसीलिए तो मैं जिनसे जुड़ा हूं, इस जमान का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। अरे मेरे पास पेपर के कटिंग है, मैं कल भी दिखाया, बाजार में भी दिखाया, अभी फिर निकालूंगा, फिर हो जाएगा हमारे पास सर्वेलिंग है। उसमें साफ तौर से लिखा है कि जावेद आजाद के घर में साफ़ है, और उसको मायूस होने मत दीजिए, उसकी चीज हमारा और